के वीआईपी पार्क जेपी टेंट में आयोजित प्रथम सेठ सांवरिया जी के सेठ श्याम वंदना महोत्सव में प्रवीण खंडेलवाल ने शामिल होकर श्याम बाबा का आशीर्वाद लिया। दिल्ली में चांदनी चौक लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं, हर तरह के आयोजनों में दिख रहे हैं। केशवपुरम के वीआईपी पार्क जेपी टेंट में आयोजित प्रथम सेठ सांवरिया जी के सेठ श्याम वंदना महोत्सव का प्रवीण खंडेलवाल ने शामिल होकर श्याम बाबा का आशीर्वाद लिया। प्रवीण खंडेलवाल ने श्याम बाबा के दरबार में माथा टेका और क्षेत्र की खुशहाली की प्रार्थना की। उनके साथ जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल भी मौजूद थे। आयोजन कमेटी के सदस्यों ने प्रवीण खंडेलवाल को शॉल फुलमाला से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रवीण खंडेलवाल ने जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर के जयसवाल ने प्रवीण खंडेलवाल से दिल्ली के सियासत और लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर के जयसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ केशवपुरम के वीआईपी पार्क में, जहाँ पर श्याम बाबा का भजन कीर्तन चले और आशीर्वाद लेने हैं। खंडेलवाल जी क्या कहेंगे? हारे का सहारा श्याम प्रभु हमारा, जय श्री श्याम। क्या कहेंगे? जेल से ही सरकार चल रही है। जेल से सरकार नहीं चला करती है। अगर जेल से चली होती तो हेमंत सोरेन को इस्तीफा ही देना पड़ता। जो जेल से चलने की कोशिश कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं। लगातार नई नई घोषणाएं कर रहे हैं मंत्री उनके नाम से। सवाल ये कि जो घोषणा का कागज आ रहा है वो आ कहां से रहा है? क्या कहेंगे अध्यक्ष जी, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, कितने जगह पर लेके गए खंडेलवाल जी को क्षेत्र में? देखिए, लगभग डेली 10 से 12 का कार्यक्रम की औसत है और पूरा जोश, पूरी जन जन के अंदर पूरा जोश है। और जब से केजरीवाल अंदर गया है तो और उत्साह का माहौल बन चुका है। और वो कहता है मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। जो जेल से बाहर तो चला नहीं पाया तो अंदर रह के क्या चला पाएगा। लगातार केजरीवाल तो 2 महीने पहले ही लोगों से पूछ रहे थे जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, वो गद्दी का लालची इंसान है, वो इस्तीफा जल्दी से देगा नहीं। अभी ईडी ने गिरफ्तार किया है उसको। पहले उसको बहुत बार बुलाया गया लेकिन ये साबित हो चुका है कि उसने शराब घोटाले में भ्रष्टाचार किया है और उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो जबरन उसको एलजी महोदय और केंद्र सरकार उसको बर्खास्त करेगी। लगातार मंत्री आतिशी सौरभ भारद्वाज घोषणाएं कर रहे हैं कि वहां से आदेश दे रहे हैं केजरीवाल जी और ये घोषणा कर रहे हैं। कुछ नहीं है, ये सब बेकार के दिखावे हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि जेल से सरकार चला ले। दिल्ली की जनता जागरूक है, उसका अंतिम समय आ चुका है। तो देख रहे हैं किस तरीके से प्रवीण खंडेलवाल जी यहाँ पे लोगों से मिलजुल रहे हैं। यहाँ पे श्याम बाबा का आशीर्वाद लेने आए थे, साथ में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी भी थे और लोगों से मिलजुल रहे हैं। यहाँ पर लगातार लोगों के बीच में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।